धर्म परिवर्तन धर्म दीक्षा के बाद क्या क्या समस्याएं हुई आप लोगों को? समस्या तो ये है जी, हमारे जो हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया शासन प्रशासन ने, ये है लेटर जो मुझे धमकी मिली थी 21 तारीख। किसके द्वारा ये धमकी दी गई? इसमें लिखित नाम नहीं है। और जो कल उन्हें पहचाना कि नहीं? कल धमकी मिली है उसको मैंने पहचान के पुलिस में दिया उसको। नाम जल्द आपने FIR करवाई है? हाँ, नाम दर्ज भी कराई है ये रही, पर वो चौके प्रभारी साहब ने नहीं ली ये रही। वो मर्डरी आदमी है, लिखित रूप में उनका बाकायदा केस भी चल रहा है। 2013 में उन्होंने मर्डर भी किया था राजू कॉलोनी सन्नी वाल्मीकि का, उस दौरान वो जेल भी जा चुके हैं। अब एक मर्डरी आदमी धमकी दे रहा है और एक आम आदमी उसको उसका नाम बता रहा है प्रशासन को, तो प्रशासन को तो एक्शन में आ जाना चाहिए। क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है क्या? जी बिल्कुल, ये तो साजिश है, साजिश के तहत कि आप लोगों को ये कहा गया कि हरिजनों का वाल्मीकियों का वोट नहीं मिला, नहीं मिला, इस वजह से हम काम नहीं कर रहे। ये विजेंद्र सिंह चौहान जी जो है, जो पहले पार्षद थे, अब उनके लड़के की वाइफ है, उन्होंने ये बोला मेरे से कि पवन मुझे हरिजन मोहल्ले से वोट नहीं मिली है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। गाजियाबाद के मोहन नगर ये करेरा गांव पड़ता है, यहाँ पे एक ऐसी खबर है जो कि धर्म परिवर्तन के बाद इस गांव को यहाँ के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, उनके साथ तमाम समस्याएं होती हैं। और उस कार्यक्रम जो धर्मांतरण का कार्यक्रम था उसकी अगुवाई हमारे साथ में जो शख्स है इन्होंने करवाया था, उसके बाद से क्या क्या समस्याएं हुई जानेंगे। और यहाँ फिर से कहना चाहेंगे कि महानगर में बात अगर करें गांव की तो समझ में आता है कि कुछ ऐसे गांव होते हैं जिन जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती, लेकिन जब शहर में देखते हैं तो यहाँ भी जातिवाद जो होता है। मेरे पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनवाया जाता है, महर्षि को वहाँ पे जो है सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब लोगों की बात करें तो इनके साथ जातिवाद होता। चलिए जानेंगे भाई, एक बार परिचय बताएं। मेरा नाम पवन बोध है और करेड़ा गांव जिला गाजियाबाद मोहन नगर के पास ये पड़ता है। अच्छा, धर्मांतरण का कार्यक्रम आपने कब करवाया? ये 2020 14 अक्टूबर को राजरत्न अम्बेडकर जी बाबा साहब के पौत्र महाराष्ट्र चलकर हमने बुलाए थे, वो यहाँ पर आए थे। बंते निब्बल जी की मौजूदगी में हमारा धर्म दीक्षा हुई थी 236 लोगों का। तो उसके बाद से ही सभी लोग हिंदू धर्म छोड़ दिया, ये सब मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा। ये एक सवाल आता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो उन्हें जबरदस्ती दिखाने के लिए करवाया जाता है, कि आपने जबरदस्ती लोगों से धर्म ग्रहण करवाया था या अपने मन से लोगों ने किया था? नहीं, ऐसा है जी, देखो जो बाबा साहब को पड़ेगा तथागत गौतम बुद्ध जी के मार्ग रास्ते पे चलेगा, वो स्वयं ही अपना घर वापसी होगा। इसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है और ये हम पहले से ही बौद्धिस्ट हैं, हम लोगों को तो बांट दिया गया है। अब जो पढ़ लिख के आगे आ रहा है उनको पता है कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम वाल्मीकि नहीं है, हम हिंदू नहीं है। हिंदू की सभ्यता भी सबको मालूम है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। अभी महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिलाएं ये बता रही थी कि धर्म ग्रहण के बाद जो है लोगों को लालच दिया गया, एक हफ्ते बाद यहाँ शासन प्रशासन अधिकारीगढ़ के लोग आने लगे, लालच दिए कि ये धर्म छोड़ दो और अपने वापसी कर लो हिंदू धर्म में, तुम्हारा ये काम करवा देंगे, इस तरीके तमाम लालच दिए गए, क्या कहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मेरे को भी लालच आया था। लालच किसने दिया मुझे? गाजियाबाद के DM अजय संगर पांडे जी, उस दौरान अजय सिंगर पांडे जी, तो उनके द्वारा वो मुझे अलग रूम में लेके गए। उन्होंने मुझे बोला कि आपको 10 लाख रुपए देंगे, एक आपका फ्लैट सरकारी योजना का दिला देंगे, आपका घर बनवा देंगे, आपके बच्चों के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइयाँ करा देंगे। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हम बिकाऊ लोग थोड़ी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया एक मेरा लालच। फिर सभी को बोला गया कि आपका समुदाय भवन का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे घर में ऐसे सारे लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के लिए या तो यहाँ टेंट लगाया जाता है, 1-1.5 लाख रुपए में बैंकट बुक कौन करेगा, 1-1.5-2 लाख रुपए में तो हमारे लोगों को बहन बेटियों की शादी हो जाती है। हमने उनको बैंकट के लिए बोला कि समुदाय भवन जो है हमारा वो भी दिया जाए, जो कच्चे मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना वाले। अगर शॉर्ट में बात करें तो धर्म परिवर्तन धर्म दीक्षा के बाद क्या क्या समस्याएं हुई आप लोगों को? समस्या तो ये है जी, हमारे जो हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया शासन प्रशासन ने, पहले बोला एक हफ्ते के अंदर आपकी जो दरकिनार कर दिया, एक हफ्ते के अंदर आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। अभी तक 4 साल हो चुके हैं, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। 2 साल पहले ही हमारी पानी की लाइन भी काट दी, तो और तुम पूरी क्या करोगे जब सबसे पहले आप पानी ही काट रहे हो। और उसके बाद पानी का कार्य मैं करा भी रहा हूँ DM साहब से कह के, जो नए DM साहब आए हैं, उसके बाद मुझे शासन प्रशासन में कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, मारने की भी धमकी अभी आप बता रहे थे, ये क्या लेटर एक बार दिखाएं।
ये है लेटर जो मुझे धमकी मिली थी 21 तारीख को। किसके द्वारा ये धमकी दी गई है? इसमें लिखित नाम नहीं है। अच्छा। जिन्होंने धमकियां दी है वो अनजान व्यक्ति थे 21 और 24। और जो कल उन्हें पहचाना कि नहीं? कल धमकी मिली है उसको मैंने पहचान के पुलिस में दिया उसको। नामजद आपने FIR करवाई है? हाँ, नाम दर्ज भी कराई है येरी, पर वो चौकी प्रभारी साहब ने नहीं ली येरी। अच्छा, ली नहीं उन्होंने? ली भी नहीं है। उस लड़के को बुलाया गया चौकी में और उस लड़के से बोला गया कि ऐसे कैसे, क्या तुमने किसके कहने पे क्या धमकी दी है, तो चोर चोरी करके थोड़ी ना कहेगा मैंने चोरी की है। उसने बोला मैंने नहीं करा। तो उसको मतलब 2-4 गालियाँ वगैरह दी और उसको छोड़ दिया। मेरे से बोले कि पवन इसको लास्ट मौका दे दो। वो मर्डरी आदमी है, लिखित रूप में उनका बाकायदा केस भी चल रहा है। 2013 में उन्होंने मर्डर भी किया था राजू कॉलोनी सनी वाल्मीकि का, उस दौरान वो जेल भी जा चुके हैं। अब एक मर्डरी आदमी धमकी दे रहा है और एक आम आदमी उसको उसका नाम बता रहा है प्रशासन को, तो प्रशासन को तो एक्शन में आ जाना चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जिस तरीके के आपके साथ व्यवहार हो रहा है, क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है क्या? जी बिल्कुल, ये तो साजिश है। साजिश के तहत जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो 5 साल का विकास का पैसा खा रहे हैं, गरीब लोगों की योजना उनको हक नहीं दे रहे हैं, और उनके यहाँ से होते हुए मैं पानी की लाइन DM साहब से अधिकारियों से बोल के मैंने ये कराई है, 3-4 साल हो चुके हैं। तो सत्ते में जो बैठे हैं, जो जीते हैं, उनको तो दर्द होगा कि हमारी पूछ खत्म हो रही है। पहले भी जीतने के बाद नहीं करते थे आप, बिल्कुल। अब हम ये अपने आप अधिकारियों से रो के पीट के 1 साल नहीं 2 साल नहीं 4 साल कभी तो हमारी सुनवाई होगी, तो दर्द उनको ये जो जीते हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ के मेयर पार्षद कौन है आपके यहाँ? यहाँ के जो पार्षद है बिजेंद्र सिंह चौहान जी की लड़के की वाइफ है सुनिंदा चौहान, वो बैनर लगा हुआ है, उनके लड़के की वाइफ है, और जो महापौर है वो आशा शर्मा जी हैं। अच्छा, आप अभी अपने प्रेसवार्ता में बता रहे थे कि आप लोगों को ये कहा गया कि हरिजनों का वाल्मीकियों का वोट नहीं मिला, इस वजह से हम काम नहीं कर रहे। ये विजेंद्र सिंह चौहान जी जो हैं, जो पहले पार्षद थे, अब उनके लड़के की वाइफ है, उन्होंने ये बोला मेरे से कि पवन मुझे हरिजन मोहल्ले से वोट नहीं मिली है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। चलिए, बाकी आप आखिरी में जो लोग आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये खबर है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मदद करें, और शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि आम आदमियों को भी देखा जाए। पावर वालों को तो बाद में देखें, पहले आम जनता को देखें। अगर आम जनता अगर बिगड़ गई तो फिर वो रोड पर बैठ जाएगी, फिर रोक नहीं पाएगा कोई भी। बस मेरा ये कहना है कि जो धमकी वगैरह जो मिली है, जो हमारी वो है, हमारी सुनवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखवाते हैं यहाँ पे बाबा साहब के परपौत्र जो है राजरतन अम्बेडकर आते हैं, उसके बाद से इनको धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती है और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं यहाँ पे शुरू हो जाती। महिलाओं ने बताया उनके साथ किस किस तरीके की समस्याएं हो रही है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।